स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भारत के सभी नागरिकों को यू प्रोडक्शंस की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। यार आज हॉलीडे है, छुट्टी है 15 अगस्त की, मुझे फोन कर रहे हैं। हेलो हेलो बिल्लू। हाँ तीरन, कहाँ पर है तू यार? यार मैं घर पे हूँ यार। आज क्या कर रहा है घर पे? ओ यार आज 15 अगस्त है, छुट्टी का मूड ले रहा हूँ, अभी घूमने जा रहा था मैं। बिल्लू भाई यार समझा कर, मुझे तेरे से कोई जरूरी काम है, जल्दी आ। काम बोल, तो काम क्या है यार? समझ नहीं आता तुझे एक बार यार। ठीक है तू गुस्सा क्यों कर रहा है? अब आता हूँ। मेरी बात सुन, तेरे को एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पे जल्दी के जल्दी अभी के अभी पहुँच, मुझे इधर से बड़ा जरूरी काम है। ठीक है ओके ओके। क्या करूँ यार तेरा भी। और भाई 15 अगस्त आज फिर से सही है ना? हाँ भैया बोल, क्या काम है? बस यही तो लोगों की सोच है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को छुट्टी वाला दिन है। मतलब क्या है? ये जो हमारे जो चंद्रशेखर आजाद, ये राजगुरु जिन्होंने हमारा देश आजाद कराया, मतलब इन्होंने छुट्टी के लिए आजाद कराया। रिस्पेक्ट करते हो तो छुट्टी कैसे? आज तेरे को पता 15 अगस्त है, कितने साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए? आज हो गए 70। हाँ तो तू सोचता है कि 70 साल में हमारा देश आजाद हो, तो आजाद अभी भी मानता हमारा देश? यार मेरी बात सुन, तेरे को क्या लगता नहीं है आजाद? कैसे आजाद है मुझे बता, कैसे आजाद है? तेरे को यहाँ पे कोई अंग्रेज दिख रहा है?
बिल्कुल नहीं दिख रहा। तेरे मोहल्ले में अंग्रेज है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। पजवाल मोहल्ले में अंग्रेज है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कालीबड़ी में अंग्रेज है? नहीं है भाई, कहीं नहीं अंग्रेज। वो देश छोड़ के चले गए, हम आजाद ही आजाद हैं। भाई मेरे, मेरी बात सुन बिल्लू, सिर्फ अंग्रेजों के जाने से ही देश हमारा आजाद नहीं हुआ है। अच्छा, जो बाहर की ताकतें हैं, जैसे तेरे को पता नहीं है चाइना, चिंग चैंग चुंग तेरा भाई है वो दूसरा, तू क्या हरकतें कर रहा है, तेरे को पता है? यार पता है मेरे को, अपनी फौजियों से शेरखानी कर रहे हैं। हाँ, शेरखानी कर रहे हैं और हम पंगे ले रहे हैं। बिल्कुल हाँ, तो तू समझदा आजाद हो गया? मेरे को तो लगता है आजाद हो गया वैसे। भाई मेरी बात सुन, सिर्फ फौजियों के साथ छेड़खानी नहीं, वो जो चाइना है हमारे सेहत के साथ, हमारे साथ भी खिलवाड़ कर रहा है, तुझे पता है इस बात का? वो कैसे? मेरी बात सुन, तू अंडे तो खाता होगा? अंडे, ओ यार फेवरेट, मंडे संडे रोज खाओ अंडे। कैसे, मैं जिम आता हूँ ना, ठीक है, प्रोटीन चाहिए। हाँ, तो तुझे पता होगा वो आजकल के अंडे बड़े सफेद सफेद आते हैं। हाँ, सफेद बहुत ज्यादा यार। मैं एक दिन सोच रहा मेरे से शायद ना मुर्गी होती है ना, मुर्गी अंडे देती है बिल्लू, मुर्गी कहाँ से फेरन लबली लगाएगी? वो कोई फेरन लबली वाले अंडे नहीं है वो। आ तेरे को दिखाता हूँ ये वाले अंडे, देख वीडियो। हाँ जी, ये प्लास्टिक अंडे जो हम लोग खाते हैं। क्या हुआ? मेरे को लग रहा है मुर्गी अंदर आ रही है। मुर्गी आ रही है, प्लास्टिक है, कोई बात नहीं। इतना ही नहीं, मुझे पता जो बंद गोभी होता है, बंद गोभी, अभी अभी हाट डॉग खा के ऐसे नूडल्स, मतलब लालच जाएगा नहीं, ज्यादा डलवाली होगा यार। अब उसमें क्या है, हरी सब्जी है? हरी नहीं सब्जी है वो, देख वो कैसी सब्जी है। आज तेरे को उस सब्जी के बारे में बताऊँ की वो किस तरह की सब्जी है, देख जरा। बिल्लू इतना ही नहीं, जो तुम लोग चावल खाते हो ना, चावल, हाय हाय, राजमा चावल मेरे फेवरेट है यार, उसके बारे में कुछ मत बोलना। चावलों के बारे में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तू चावल देख ही ले कि कैसे चाइना में कैसे चावल बनते हैं और कैसे बनते, दिखाओ जरा। यार तोबा तोबा, चावल भी प्लास्टिक के? हाँ जी, और यार, कुछ यार ये कर क्या रहे हैं भाई? जितनी हम चीनी खाते हैं वो भी प्लास्टिक की है। इवन कि तूने देखा है कि अभी तूने पिछले टाइम पे केस देखे थे कि लेडीज के होंठ बड़े हो गए थे वो लिपस्टिक लगाने से,
हाँ, हाँ, मेहंदी चाइनीज मेहंदी आई थी, हाथ जल गए थे। हाँ, हाँ, भाई साहब ये वही चाइना के प्रोडक्ट है, या कॉस्मेटिक जो ब्यूटी के प्रोडक्ट है, और भी ऐसे प्रोडक्ट है जिनके हम नाम नहीं ले सकते इस वीडियो में। तो अगर हम चाइना के प्रोडक्ट खरीदेंगे, एक तो हमारा नुकसान, दूसरा हमारा क्या नुकसान है मुझे बताओ यार। मेरे को लगता है एक हमारा दूसरा नुकसान है आर्थिक स्थिति ना, हाँ, हमारी बिल्कुल खराब हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी इकोनॉमिकल बिल्कुल सही कहा है, इकोनॉमिक और ग्रोथ उनकी होगी चाइना वाले, क्योंकि पैसे तो उनको देंगे। हाँ, अगर यहाँ देंगे तो कम से कम हमारे फौजी भाइयों के साथ तो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो आए दिन पॉलिटिक्स करते रहते हैं फौजियों के साथ। यार मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी इंडियन आर्मी है ना यार, उसमें पॉलिटिक्स को मत मिक्स करो। इंडियन आर्मी की अपनी रिस्पेक्ट है, उनका काम उनको करने दो, उनको पता है कि देश की सुरक्षा कैसे करनी है, वो करते थे करते हैं और करते रहेंगे। ये बिल्कुल सही, पर यार उसमें अपनी पॉलिटिक्स, कोई भी पॉलिटिक्स में नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, प्लीज वो मैं चाहता हूँ कि बेनती है कि उसको पॉलिटिक्स में मिक्स मत करो, इंडियन आर्मी को उनकी रिस्पेक्ट करो बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करेगी। तो यार वो सरहद पर बैठे होते हैं, वो बच्चे नहीं है, नादान नहीं है यार, उनको अपना काम आता है। हाँ, उनको ज्यादा पता है, वो जो आए दिन उनके ऊपर जोक्स बनाते रहते हैं। बिल्कुल, तो अब तेरी आंखें खुल रही है, फिर चाइनीज की तरह ऐसे खोल अपनी आंखें, ऐसे चाइनीज की तरह मत खोल, इंडिया की तरह। अच्छा मेरे को एक अल्टरनेटिव बता कि मेड इन चाइना का माल खत्म कर देंगे। बिल्कुल, अब तुम्हारा मतलब है कि हम मेड इन इंडिया यूज करें। बिल्कुल मेड इन इंडिया, जैसे तू मेड इन इंडिया, अच्छा मैं मेड इन इंडिया, बाकी हमारे सब मेड इन इंडिया। वो जो दो मैंने देखे वो क्या था, कौन जो मिलके बंटी के साथ अप्पू के साथ मिलके तूने किया, बंटी अप्पू के साथ मैंने मिलके किया, यही शर्ट डाली थी, यही पैंट डाली थी तूने। वो एक्चुअली देखा, यही बात है ना मेरे दोस्तों, आ जाओ आप भी दोनों, अप्पू और बंटी कहाँ पे, जल्दी आओ, मैं जरा बताता हूँ। जितनी देर तक वो आ रहे हैं मैं तेरे को एक बात बताऊँ, तुझे कोई फर्क लगा यार? कोई फर्क नहीं लगा, देखा मैं बिल्कुल सेम दिखा ना। हाँ, इसी तरह से चाइना जो प्रोडक्ट बना रहा है ना, बिल्कुल फर्क नहीं लगता, चाइनीज प्रोडक्ट बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तुम बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि डिफरेंस नहीं ला सकते कि कौन सा इंडियन है तो कौन सा चाइनीज है। देश आजाद हो गया। हाँ, सबसे पहले तो उसको छुट्टी का दिन मत बोलो, ठीक है ठीक है। दूसरा जो है, अपने जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, आजादी जिन्होंने दिलाई है, उनको तो पहले हमारा पूरी यू प्रोडक्शन की टीम की तरफ से उनको नमन है, हाथ जोड़ के उनको नमन है। दूसरा ये है कि हम लोग चाहते हैं कि फौजी भाइयों के लिए पॉलिटिक्स मत करो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो मेन है कि विदेशी चीजों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, और वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बहिष्कार नहीं करेंगे तो हमारे देश को कैसे उन्नति मिलेगी आजादी। और आजादी के दिन, इस दिन हम जितने भी ये अपने सपूत हैं, चंद्रशेखर आजाद और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको हम सल्यूट करते हैं।